नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड सेफ 200 टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि यह टैबलेट कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या उपयोग और फ़ायदे होते हैं, इस टैबलेट को लेने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका डोज कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और इस टैबलेट के अंदर कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है। तो भाई गुड सेफ 200 टैबलेट में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टैबलेट यूज होने वाले साल्ट कंपोजिशन यानी घटक के बारे में। तो इस टैबलेट के अंदर सेफोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल 200 mg की मात्रा में पाया जाता है। बात करें इसके ब्रांड की तो इसको मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन ब्रांड है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई देखो, ये एक जो एंटीबायोटिक दवाई है, यह फेफड़ों के इन्फेक्शन में असरदार है, जैसे निमोनिया हो गया या यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया या कान का इन्फेक्शन हो गया, नेजल साइनस की समस्या हो गई या गले और त्वचा का इन्फेक्शन हो गया, या बैक्टीरिया को मारता है, यानी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपके लक्षणों को बेहतर बनाने और इन्फेक्शन के इलाज में मदद मिलती है। साथ ही आपको बता दें, अगर आपको कोई फ्लू हो जाता है या कोई म्यादी बुखार हो जाता है या किसी भी प्रकार का बुखार हो, उसको ठीक करने में भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेंगू टाइफाइड को के बुखार को ठीक करने के लिए भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। मलेरिया के बुखार को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुड सेफ 200 टैबलेट को खाने के साथ में लेना चाहिए, मतलब कभी भी इसको खाली पेट ना लें, हमेशा खाने के बाद ही इसको लेना है, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए। इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा, और डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं, यानी डोज आपको डॉक्टर बताएगा उसी प्रकार से आपको लेना है। इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि इसका उपयोग करने से पहले अगर आपको किसी भी एंटीबायोटिक से एलर्जी है या किडनी या लीवर संबंधी कोई समस्या है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। डॉक्टर की सलाह अनुसार इस दवा का इस्तेमाल गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान करना सुरक्षित माना जाता है। यह आपकी दृष्टि को धुंधला कर सकती है या इससे आपको नींद और चक्कर आ सकते हैं। इन लक्षणों को महसूस होने पर वाहन ना चलाएं। तो कुल मिलाकर इसका जो यूज़ होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, यानी ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको लेने के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसको लेने के बाद अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा रैशेज यानी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रैशेज होने लगे, या मिचली आने लगे यानी उल्टियों का बहुत ज़्यादा मन होने लगे, या डायरिया यानी कि दस्त हो जाए बहुत ज़्यादा, तो आप तुरंत समझ जाएं कि यह टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है, और अपने उन डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने ये आपको दवाई दी है। तो हो सकता है वो इस टैबलेट की जगह कोई दूसरे साल्ट वाली टैबलेट देंगे जो आपको सूट कर सके। बात करें इसके डोज की, तो डोज अपनी मनमर्जी से कम या ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। डोज बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से लेना है जैसे आपके डॉक्टर ने लेने को कहा है। आपको हमारे द्वारा इस दवाई की दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी गुड सेफ 200 टैबलेट के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके। हम अपने चैनल पर इस दवाई की जानकारी देने के लिए किसी कंपनी या ब्रांड से कोई पैसा नहीं लिया। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की जानकारी लेकर आते रहते हैं। थैंक यू।